अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी हो गया है, तो कोई बात नहीं, मेरा तो चल रहा है ऐसे ही, और थोड़ा सा कम भी हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह। तो आज की वेदर देखिए कैसा है, एकदम बारिश बारिश, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था। ये देखिए सब कुछ भीगा हुआ है, लेकिन पौधों के लिए अच्छा हो गया है, पौधों को पानी मिल गया, और बारिश के पानी से अच्छा कोई पानी होता नहीं है उनके लिए। तो अभी फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ये देखिए ब्रश कर लिया है हमने, और ये पानी उबाल लिया है क्योंकि पानी गर्म कर लिया है, हम पियेंगे गर्म पानी इसी वजह से। और आज अभी तो फ़िलहाल बहुत लेट हो गए हैं, आज 7 बज गया है। तो इधर देखिए मैंने क्या किया है, और मेरी ट्रिक्स, मतलब मेरी जो शॉर्टकट वाले काम ये होते रहते हैं। और ये देखिए क्या क्या आज कल हम जो गए थे रात को मासी के घर, पड़ोसी मासी के घर, तो उन्होंने, हम आ गए थे तो इसलिए अम्मी के हाथ में भेज दिया था ये रसगुल्ला और थोड़ा सा भुजिया वगैरह भेज दिया था, तो वो तो मैंने टिफ़िन में ले लिया है। और ये देखिए रसगुल्ले को क्या किया है, फ्रिज में रखा था, इसको गर्म करने के लिए दूध में डाल दिया है। दूध और रसगुल्ला एक साथ गर्म कर लिया तो आयु पी लेगी, दूध भी पी लेगी, साथ में रसगुल्ला भी खा लेगी, तो इसी वजह से मैंने ये किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिर बच्चों को, दूध नहीं पियेंगे ये वो, ये सब झंझट से बच गए हैं। और ये भुजिया वगैरह इसमें ले लिया है, टिफ़िन में दे दूँगी, और देखते और क्या देते। तो मैंने टिफ़िन के लिए ये बिस्किट्स ले लिया है, बस दो दो दे देंगे, जो भी खाएंगे खाएंगे, क्योंकि कभी कभार भूख ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए दो दो बिस्किट दे दिया है। और इधर देखिए, ये देखिए देर हो गया तो इसलिए अलग अलग गर्म करने की कोई मतलब टाइम वाइम नहीं है, तो एक साथ ही चावल और सब्ज़ी एक साथ ही मैं गर्म कर रही हूँ, और ये हम दोनों ही खा लेंगे, इतना बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर भी सुबह सुबह नहीं खाया जाता तो मैं इतना ही ले लेती हूँ, नहीं तो कभी कभार और कम भी खाते हैं। आज ले लिया इतना, बस जैसे जैसे खा लेंगे और फिर भागेंगे स्कूल। फिलहाल हम जाने लगे स्कूल, और आई हूँ आप लोग को हाई कर रहे हैं। और इधर देखिए हमारे साथ आज कौन आ गए हैं, ये मेरे पड़ोस की है, तो ये जाती है स्कूल बस में, पर आज छूट गया है बस, तो हमारे साथ ही आ गई थी। और ये आयु की और एक दीदी फ्रेंड, और उसके बाद ये क्लासमेट फ्रेंड और एक नया आ गए हैं, तो इसको आयो लेके जा रही है स्कूल दिखाने के लिए। इधर आयशा के मम्मा आयशा आ गई हैं, तो आयशा को लेके जाएंगे बिठाने के लिए। और उसके बाद आयु, इधर देखिए उसकी जो दीदी फ्रेंड है, 5 की लड़की है ये, बहुत ही प्यारी है, और आयु इसके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गई है, आयु उसकी फ्रेंड को छोड़ के फिर से चली गई है बाहर घूमने के लिए। और ये देखिए आयशा पर लुटा रहे हैं बड़े क्लास के लड़कियां प्यार उस पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है आयशा भी, 5, 6, 7 की लड़कियां बहुत ज़्यादा, ये दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे आयु को और आयशा को। और ये देखिए मुझसे परमिशन ले रहे फिर से दीदी के साथ जाना है उसको बाहर घूमने के लिए, तो मैंने बोला हाँ चलो जाओ, जल्दी जल्दी आ जाना, और तब तक हम भी चले जाएंगे। तो इधर देखिए हमारी आयु, आयु देखिए घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने बोला आयु हम जा रहे हैं अभी, बाय कर दो, तो आयु ने कर दिया है बाय। तो हम आ गए हैं स्कूल से लौट के, और आते ही मैंने बना लिया है कलौंजी की चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है,
और ये देखिए मैंने कैसे बनाया है इसकी चटनी। करौंजी को मैंने भून लिया है और ग्राइंडर जार में ले लिया है ग्राइंड करने के लिए। इसको ग्राइंड करके थोड़े से ठंडा होते ही मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और उसी पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल दे दिया है, उसमें दे दिया है 2 सूखी हुई लाल मिर्चें। उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसको रख देंगे साइड में। फिर उसी तेल में मैंने दे दिया है लहसुन और प्याज, और उसी को उसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसको भी मैं निकाल लूँगी प्लेट में। और उसके बाद जो कलौंजी मैंने क्रश कर लिया है उसमें मैं सूखी हुई लाल मिर्च डाल के उसको भी क्रश कर लिया। उसके बाद प्याज और लहसुन भी डाल के इसको भी थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद ये हो गया है तैयार हमारी कलौंजी की चटनी। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बीमारियों का इलाज भी है ये। और उसके बाद शाम को हमने क्या खाया है देखिए, अम्मी ने ले लिया है मुरमुरे और पापड़ और दे दिया है हमें, तो हम खाने लगे हैं। इसके साथ मेरी वीडियो को एंड करती हूँ, दुआ में हमें याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए। खुदा हाफिज़।